केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं भरा जोश करेंगे 370 का आंकड़ा पार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए कहा कि एक पोलिंग पर 370 अधिक मत डलवाने हैं तभी केंद्र में सरकार 370 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी अपनी इकाइयों को मजबूत करने का कार्य करेंगे तभी हमारी इमारत मजबूत होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणा नहीं करना है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री की मां का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। उन्होंने कहा कि व्यस्तता के बीच मुझे मेरी मां का भी ख्याल भी रखना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ा है। हूं जिंदगी भर मेरे कार्यकर्ताओं का मेरी जनता का सुरक्षा कवच बनने की कोशिश मैंने की है और जीवन के अंतिम सांस तक करूंगा। मेरा एक ही निवेदन है आपसे, कृपा करके किसी विधानसभा में मंच से कोई घोषणा मत करना। सबसे जहरीला और हानिकारक होगा अगर घोषणा की गई किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा, चाहे मैं हूं, चाहे राजू जी हों, चाहे आप, हमें ऊपर से नीचे काम नहीं करना है, हमें नीचे से ऊपर तक काम करना है। हमारी इकाई हमारी पोलिंग है, हमारा घर हमारा पोलिंग है, हमारा परिवार हमारा पोलिंग है। और जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, नड्डा साहब ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अगर हमारा लक्ष्य 370 है, 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाया था कश्मीर में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना को साकार प्रधानमंत्री जी ने किया था, 370 सीट अगर लोकसभा में हमें लाना है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है।